अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने गरीबों के उत्थान के लिए ग्राम बावनपुरा व नारंगपुर जनपद मेरठ में एक सभा का आयोजन किया। आपको बता दें, आज दिनांक 27 अगस्त को मेरठ जनपद के ग्राम बावनपुर व नारंगपुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय ब्राह्मण के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी रहे। बैठक का उद्देश्य प्रदेश में हो रहे गरीबों व ब्राह्मण के खिलाफ हो रहे अत्याचार को वरीयता दी गई। यहाँ पर रखी गई है और डिस्टेंस को बनाते हुए रखी गई है, तो बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। डिस्टेंस बना करके पूरा फिजिकल डिस्टेंस का पालन हो रहा है, सभी लोग मास्क लगा करके बैठे हैं, इसका जरूर ध्यान दिया गया है। मैं जानना चाहूंगा कि ना कीजिएगा, संगठन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होता है। संगठन जिस भी वर्ग का हो, जिस जाति का हो, उसके उत्थान के लिए, उसके हितों पर हो रहे उत्थान नहीं होता है। संगठन हमारा आज बावनपुरा में आए हैं, आप हर यूपी के लगभग सभी क्षेत्रों में आप दौरा कर रहे हैं, इस पर प्रकाश डालें। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन की आम सहमति के आधार पर एक रूट चार्ज के तहत दौरा कर रहा हूं। ब्राह्मण के पीछे पूरी सरकार बदले की भावना से कार्य कर रही है। इसको रोकने के लिए, पीड़ित ब्राह्मणों से मुलाकात के लिए, ब्राह्मण कैसे सुरक्षित रहेगा उत्तर प्रदेश में, इन सभी बातों को लेकर के हम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अपने समाज के लोगों से, अपने समाज का संगठन चला रहे नेतृत्वकर्ताओं से, सभी लोगों से मिल करके, सबका विश्वास लेकर के हम आगे की रणनीति बनाने के प्रयास में हैं। उसी के क्रम में मैं आज मेरठ जिले के बावनपुरा गांव में सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहा हूं।